नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। अभी हम मौजूद हैं बिहार के भागलपुर जिले के रंगरा चौक प्रखंड के बनियावेसी पंचायत में। ये जो शख्स जिन्हें आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुमोद यादव जी यहाँ के कार्यवाहक हैं। ऐसे तो यहाँ की मुखिया होती है गुड़िया देवी जी, ठीक है। और ये जो है शख्स जो कार्यवाहक है, आइए जानते हैं 18 से 19 माह हो गए इनको चुनाव जीते हुए। इन बीते वर्ष में उन्होंने क्या क्या विकास का कार्य किया है, किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा इनको विकास कार्य करने में, रुक करते हैं और जानते हैं इनसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार न्यूज चैनल में। आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारा पहला सवाल, जल नल की कैसी स्थिति आपके पंचायत में? जल नल का ठीक स्थिति नहीं है। पीएचडी से है, पीआरडी से है? अब तो पीआरडी से हो गया, पहले नहीं था पीआरडी से। टोटल राशन कार्ड धारी कितने आपके पंचायत में, कितने प्रतिशत लोग को राशन है यहाँ पे? वही 600। 600 लोग को राशन। डीलर द्वारा कोई मनमानी भी किया जाता है आपके पंचायत में? ना, डीलर द्वारा मनमानी नहीं किया जाता। शिक्षा की कैसी व्यवस्था आपके पंचायत में? शिक्षा का व्यवस्था सही नहीं चल रहा है। कितने क्लास तक की शिक्षा होती है आपके पंचायत में? वही 9 तक। स्वास्थ्य की कैसी व्यवस्था आपके पंचायत में? वो भी सही ना। डॉक्टर वगैरह आते हैं, नर्स वगैरह आती है? नहीं आती है। अच्छा मुखिया जी, जो पंचायत में ये जो बिहार सरकार के द्वारा ये योजना पे जो दखल किया जा रहा है, मुखिया के साथ जो घटना घट रही है, कभी मुखिया काफी मुखिया लोगों की हत्या हो चुकी है, और हमारे माननीय मंत्री पंचायती राज मंत्री जो सम्राट चौधरी जी थे, उन्होंने कहा था कि जितने भी प्रतिनिधि हैं सर को आरस वगैरह दिया जाए, क्या ऐसा हुआ है आप लोग के साथ? ना, कहाँ दिया अभी तक। लाइसेंस तो कोई मुखिया को अभी तक नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? जो प्रतिनिधि है जिस पे खतरा है उसको लाइसेंस दिया जाए। मेरे भाई का भी इधर हत्या हो गया 6 महीना पहले। जी, जो कमाने खाने वाला आदमी था, ट्रैक्टर चलाने वाला, उसका भी हत्या हो गया। सरकार दोषी इस चीज को लेकर के? हाँ, सरकार दोषी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लाभुक को आपने लाभ दिलवाया है आवास को लेकर के? मात्र अभी तक 15 को मिला था। इसमें कोई दलाल प्रतिनिधि के भी लोग हैं आपके पंचायत में? ना, अभी तो मेरे रीजन में कोई दलाल नहीं है। जी, हम अपने स्तर से ही दिलवाते हैं। जी, और कोई दलाल नहीं है मेरे रीजन में। अधिकारी पदाधिकारी वगैरह सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं। पंचायत सरकार भवन है आपके पंचायत में? नहीं है पंचायत सरकार भवन। चिन्हित जगह किया गया है बिहार सरकार का आपके पंचायत में? चिन्हित किया गया है बैसी में। जी, इसके लिए क्या आप लोग ने कुछ किया विकास को लेकर के, आवेदन वगैरह कहीं दिया पंचायत सरकार के बारे में? हाँ, सीओ साहब को हम लोग दिए हैं, जमीन भी दिखाए है, चिन्हित किया है जमीन को। तो परेशानी किस जगह पे है जो पंचायत सरकार बन के लिए अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा है? परेशानी यही है कि जो हम लोग सीओ साहब को दिए, वो सीओ साहब जिला भेज दिया, वहाँ जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक उसका फाइल आगे नहीं बढ़ेगा। पैसा का डिमांड किया गया है वहाँ पे? हाँ। कितना पैसा का डिमांड किया गया है? कम से कम 20,000। मूल समस्या क्या है आपके पंचायत में विकास को लेकर के? मूल समस्या है कि 2 सड़क है। जी, हम लोग विधायक को भी कह के थक गए, MP को कह के थक गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो आपके पंचायत में पड़ता है सड़क? हाँ, दोनों सड़क मेरे पंचायत में पड़ता है। 10 गुमटी से लेके बनिया जो है बनिकपुर हॉल्ट होते हुए वहाँ मोहम्मदन टॉयलेट था। आप चाहेंगे कि आप पंचायती राज के द्वारा आपके पंचायत में ज्यादा आवंटन हो जो आप ये विकास कर पाए? हाँ, जो कि मेरे पंचायत में ज्यादा STA है। जी, वहाँ विकास होना चाहिए। पंचायती राज के द्वारा आपके पंचायत का जो हनन हो रहा है, मुखिया के अधिकार का जो हनन हो रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी योजनाएं थी बिहार में मुखिया के द्वारा, क्योंकि धरातल पे तो मुखिया काम करते हैं, योजना वगैरह इसी रूमों में बनी जाती है, और क्या बोलेंगे आप सरकार को इस विषय में? मुखिया को जो भी पैसा आता है 20 लाख या 25 लाख, उसमें जो है नल जल में खर्चा कीजिए, डस्टबिन में कीजिए, सोलर लाइट में कीजिए। तो तीन गांव जो पड़ता है मेरा जी, उसमें क्या होगा 15 लाख से 20 लाख से? आप चाहते हैं कि ज्यादा आवंटन हो आपके पंचायत? हाँ, मेरे पंचायत में 1 सड़क में कम से कम लगेगा 1 करोड़ से ऊपर, तब वो सड़क बनेगी।
आप मांग करना चाहते हैं पंचायती राज से कि विशेष पंचायत का दर्जा मिले और ज्यादा आवंटन, क्योंकि घनी आबादी क्षेत्र है हमारे पंचायत में। हाँ, जहाँ जरूरी सड़क का है मंत्री साहब वहाँ अपना बना दे जी। पंद्रह वित्त आयोग से क्या क्या विकास हुआ है मुखिया जी आपके पंचायत में? पंद्रहवी से हुआ है मतलब बाउंड्री किए हैं जी, चार दीवारी स्कूल का जी, उसके बाद लेटरिंग बना है जी, मतलब शौचालय जी जी जी, पनरमे से हुआ। सिस्टम से भी कुछ विकास हुआ है? हाँ, सिस्टम से आतरी सेट का जो है मरम्मती करवाया जी। मनरेगा से भी कुछ विकास हुआ है मुखिया जी? मनरेगा से दो गो सड़क में मिट्टी भरवाए हैं, ईटा सोलिंग हुआ है जी, फेवर ब्लॉक। हाँ, फेवर ब्लॉक जी। हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार और पंचायती राज से क्या विशेष मांग रखना चाहते हैं अपने पंचायत के विकास को लेकर? हमारे पंचायत में सबसे पहले जो हॉस्पिटल नहीं है जी, हमको हॉस्पिटल चाहिए जी पंचायत में जी, यहाँ डॉक्टर चाहिए जी, और मेरे पंचायत में कर्मचारी बैठना चाहिए जी, जो कि पब्लिक को समस्या हो रहा है हर एक चीज जी। राशन कार्ड नहीं उतना बना है, 600-5000 यहाँ वोटर है जी, 5000 में मात्र 600 राशन कार्ड है, तो उससे क्या होगा? उसका राशन कार्ड बनना चाहिए। और क्या समस्या आपके पंचायत में? समस्या बार बार भी आता है जी, उसको हमको भी बांध भी भरना जी, वो भी नहीं भरा रहा है, हमारे पास फंडे नहीं है। ये थे कुमोदर यादव जी, यहाँ के कार्यवाहक। इनके पंचायत की जो मूल समस्या है वो कटाव को लेकर के, इनके पंचायत में बड़ी बड़ी सड़क है, ये चाहते हैं कि इनके पंचायत में वो सड़क बने। जिस प्रकार पंचायत में आवागमन को लेकर के काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, शिक्षा की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बिल्कुल गंदी है, और ये चाहते हैं इनके पंचायत को विशेष पंचायत राज का दर्जा दिया जाए, विशेष आवंटन दिया जाए, जिस कारण ये विकास कर पाए अपने पंचायत में। कैमरामैन गौरव के साथ अमित कुमार, बिहार।